दोस्तों नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं एक पारंपरिक रेमेडी, जौ और चने का सत्तू। तो ये हमने जौ ले लिए हैं, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और इन्हें साफ़ करना है। इसमें इस प्रकार का यदि कोई कचरा कूड़ा करकट हो तो उसे हटा देना है, और साफ़ करते हुए भी अगर साफ नहीं होता है तो इसको हम थोड़ा सा पानी में धो लेंगे। पानी में डालने पर ऊपर जो भी कचरा होगा उसको हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमने इसको पानी में डाल लिया था, दो तीन बार हमने धो लिया है, क्लीन हो गया है, और इसके ऊपर जो भी कचरा आया था, कचरे से मतलब भूसा जो होता है वो उससे निकल जाता है। अब इसको हम रात भर के लिए सोख करने के लिए रख देंगे। फिर बताते हैं आपको कि रात भर सोख होने के बाद में और सूखने के बाद में यह कैसा लगता है। दूसरे दिन हमने इसको सूखा लिया है, गर्मियों की तेज़ धूप है साथियों, तो कुछ ही देर में यह सूख जाएगा। अच्छे से सूखा लेना, क्योंकि हमें इसको पाउडर फॉर्म में लाना है। देखिए सूख गया है, यह बहुत अच्छे से इसको सूखा लेना है, और सूखने के बाद में हम इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से यह एकदम बढ़िया सा सूख गया है। देखिए सूखा हुआ जो सूखने के बाद में हम इसको अब लो फ्लेम पर सेकेंगे, भून लेना है इसको। जैसे चना भूनते ना, इस तरह से जौ को भूना जाता है। पानी में गला करके और सेक करके हमें इसको सत्तू को बनाना है। तो लो फ्लेम मैंने बताई अभी, लो फ्लेम पर इसको हमें सेकना है। जब तक इसके चटकने की आवाज़ नहीं आएगी हमें इसको सेकते रहना है। तो देखिए चटकने की आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसको चटकने दें। हल्का सा ब्राउन भी हो जाएगा यह, और चटकने से हमें यह पता चल जाएगा कि यह अच्छा सा भुनने लगा है। इसमें से एक सौंधी सी खुशबू भी आएगी, इससे भी आपको पता चल जाएगा, और कलर इसका थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा और चटकने भी लगेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह चटक रहा है और ऐसा ब्राउन कलर हो गया है। अब इसको थोड़ा हम ठंडा करते हैं। देखिए ग्रीन कलर था, अब इसका कलर ब्राउन हो गया है। जो गर्मियों का दुश्मन है, लू ना लगे इसके लिए लोग पहले सत्तू खाया करते थे, पिया करते थे इन्हें। यह चना लिया है हमने, चना भी आसानी से भुना हुआ चना, इसको भुंगड़ा भी कहते हैं, बाज़ार में मिल जाता है। इसको भी हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसी गर्म कढ़ाई में भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। कुछ ज़्यादा हो गया, निकाल लिया मैंने। जो हमने लिया था 250 ग्राम, और चना हमको लेना है लगभग 100 ग्राम। तो यहाँ थोड़ा सा भूनने से क्या होगा कि ये छिलके से जल्दी से बाहर आ जाएंगे। छिलके सहित भी हम इसको पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन छिलका हटाएंगे तो ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, और इसकी रेमेडी जब बनेगी पानी में जब ये घुलेगा तो इसका कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा। भूनने के बाद में इसको ठंडा करना है, गरम गरम हमको इसमें मिक्सर में नहीं करना है, इसको ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा पाउडर फॉर्म में यह आ जाएगा। चने का सत्तू भी बनता है, केवल चने का, लेकिन वह गैस, पेट में गैस प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम इसमें जौ को मिलाते हैं, और जौ ठंडे के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ छिलका हमने उतार लिया था, अब इसको हम पाउडर फॉर्म में ला रहे हैं मिक्सी में। एक दो बार में जब इसको आप चलाएंगे तो यह इस तरह से आटा इसका बन जाएगा, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके जौ भी हमने पीस लिया है। यह जौ है और यह है चना, चना पाउडर और जौ पाउडर। अब इसको हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद में हम इसको या तो कपड़ छन कर लेंगे या बारीक छलनी में इसको निकाल लेंगे, ताकि इसमें कुछ दरदरापन है या इसका जो भूसा है जो बराबर से आटा नहीं बनता है तो वो निकल जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। यह तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। गर्मियों में इस तरह का सत्तू जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है साथियों, आप लोग इसका ज़रूर उपयोग करें। इस गर्मी में शदीद गर्मी है, और जब हम इसको मिला लेते हैं और कपड़ छन कर लेते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। अब देखिए करना क्या है, यह जौ और चने का आटा, एक गिलास पानी लेते हैं चिल्ड, और उसमें तकरीबन 2 चम्मच यह सत्तू मिलाएंगे।
और मीठा अभी हम बना रहे हैं तो इसमें पीसी हुई शक्कर डालें, अभी पीसी हुई शक्कर नहीं है तो हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं एक गिलास में एक चम्मच या एक चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, और एकदम चिल्ड वाटर हम इसमें डाल देते हैं। या तो आप पहले इसको थोड़ा सा पानी में घोल लें ताकि इसकी जो गुठलियाँ बनती वो हट जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास शक्कर पूरी है इसलिए हम इसको डायरेक्ट पानी में डाल करके थोड़ा सा चम्मच से खूब मिला लेंगे ताकि उसमें कुछ लम्स अगर होंगे तो वो हट जाएंगे और एक अच्छी सी रेमेडी पीने लायक हो जाएगी। यह गर्मियों के दिनों में लू से बचने के लिए और शरीर को ठंडक देने के लिए साथियों यह जौ और चने का सत्तू पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे से बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसका प्रचलन इसलिए कम होने लगा क्योंकि बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक सब मार्केट में आ गए तो लोग इस तरह की चीज़ें घर में बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह एक हेल्दी डिश है और हेल्दी रेमेडी है। इसको आप पिए, इस प्रकार का यह आपका मीठा जूस बन जाएगा, शरबत बन जाएगा सत्तू का। इसे यदि आप नमकीन बनाना चाहें तो इसमें कटा हुआ प्याज, पुदीना की पत्तियाँ, भुना हुआ जीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक मिलाएं ताकि यह अच्छा सा नमकीन बन जाएगा, लेकिन अभी हमने इसको मीठा बनाया है। आप यूज़ करें, देखेंगे आप कितना आपके शरीर को यह फ़ायदा देगा। तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहे इस चैनल पर।